चलिए इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, साथी एके मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एके मिश्रा जी, आज दिन की कार्रवाई आपने लोकसभा में देखी, अभी भी चल रही है, इस सब को देखकर क्या लग रहा है आपको, पहली प्रतिक्रिया? सबसे पॉजिटिव चीज, मैं पॉजिटिव नोट दूंगा इसका पूरा, बाद में हम एनालाइज करेंगे। लास्ट में आपने देखा कि पीएम मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों लोग गले मिल रहे हैं। मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि इन दोनों नेताओं या किसी और नेता के कहने पे जो आप लोग सड़कों पे उतर के एक दूसरे के खिलाफ लाठी डंडे लेके लड़ते हो, इनकी मोहब्बत देख लीजिए कि ये लोग कितने ऐसे हैं और दूसरों को कैसे लड़ाते हैं। रही बात, ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल थी कि इस चीज़ को जो है हम लोग करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। स्ट्रेटजिक वे में देखा जाए तो इससे मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को यानी कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान हुआ है। और चूंकि देखिए, आपने बोला गणित वगैरह सारी चीज़, संख्या बल वगैरह पहले से ही पता थी, ये सारी पार्टियों को पता थी, कल से ही ये सारी बातें चल रही थी। ये जानते हुए भी अगर विपक्ष प्रस्ताव ला रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये फेल हो गए तो गलती पे गलती जब आप करते जाते हैं ना, और एक गलती उसमें और ऐड हो गई, तो कहीं ना कहीं असफलता का बोध आपके दिमाग में भी रहता है और आपका भी ये असफलता का मैसेज पब्लिक में भी जाता है, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म जो इमेज बिल्डिंग और ब्रांडिंग होती है, एक लेवल ये लगता जाता है यार कि ये तो हर काम में फेल हो जाते हैं। अब देखिए, आप ये देखिएगा कल, ये सारी डिबेट जैसे ही खत्म होगी कल देखिएगा, और अगर ये इनका फेल हो गया कांग्रेस का प्रयास, बीजेपी इसको कैसे इनकेस करेगी। कम से कम एक हफ्ते तक बीजेपी कांग्रेस को और विपक्ष को छोड़ेगी नहीं, और बीजेपी ये डिक्लेयर कर देगी कि 2019 का रिजल्ट है ये केवल अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, नहीं। ये 2019 का रिजल्ट है। एके मिश्रा जी, मसला ये नहीं है कि संख्या बल है या नहीं है, विपक्ष को कई मसले थे, कई मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार को घेरना था, सदन के माध्यम से देश के अंदर वो मसले रखना थे, सरकार से जवाब मांगना था, उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना था, सिर्फ रणनीति विपक्ष की ये थी। नहीं आसिफ, देखिए मैं आपको बताऊं, वेस्टर्स ऑफ मनी एंड टाइम ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट बोथ। मैं बोलता हूँ जितने क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए और जितने जवाब दिए गए, उसमें से कौन सा ऐसा नया क्वेश्चन था या ऐसा नया जवाब था जो आज पहली बार आया है? 4 साल से पक्ष और विपक्ष का तो यही खेल हो रहा है, वही सवाल है जी, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, हजारों बार वही जवाब है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, पक्ष वाले बोल रहे हैं जी हमने ये काम किया, विपक्ष वाले बोल रहे हैं हमने कुछ काम नहीं किया। मुझे तो कहीं किसी केवल एक ये पॉलिटिकल ड्रामा मुझे लगता है, विपक्ष के पास हो सकता है करने के लिए कुछ और नहीं था तो ये एक अच्छा मौका मिला। मैं इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, ये संवैधानिक अधिकार है, आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जरा अपनी नैतिकता का भी, पक्ष विपक्ष में दोनों की बात करता हूं, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था, आप रोज ही इन्हीं मुद्दे पर बात कर रहे हो, जेन्युइन वे में देखिए ना कि क्या कंक्लूजन है। सरकार जवाब नहीं दे रही थी उन मुद्दों को लेकर, सरकार भटका रही थी कई और मसलों को लेकर, मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन भी सेम है जो पिछले 4 साल से है, 2 साल से है या 1 साल से, आंसर भी सेम है, ये दोनों लोगों को पता था। मैं बोलना ये चाहता हूं, मैं देश का नागरिक होने के कारण पक्ष विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा यहाँ पे आप लोगों ने अनोखा तीर मार दिया, या विपक्ष ने ऐसा कौन सा अनोखा हमला कर दिया जिसके कारण सरकार घिर गई, या पक्ष ने ऐसा कौन सा जवाब दे दिया कि जिसके कारण जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी या कोई कमी थी वो दूर हो गई? अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो ये फालतू की बकवास है। लल्लन प्रसाद जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर 15 मिनट उनको मिल जाए संसद में बोलने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इजाजत दे दें तो भूकंप आ जाएगा। क्या आज के भाषण से आपको लगा कि भूकंप आया? देखिए भूकंप तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ एक बात मैं कहूँगा, एक कहावत, लेकिन पुरजोर तरीके से बात रखी है, एक कहावत है कि जब तोते का कंठ फूटता है तो वो बोलना शुरू करता है। तो पहली बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी की आवाज़ सुनाई पड़ी, और एक बात भी ठीक है कि उन्होंने अपनी बात को बड़े जोरदार ढंग से कहा रखा, लेकिन वो सब करने के बाद आखिर अपना किया कराया सारा धो दिया। हाँ। जब वो अपनी पार्टी को जब नरेंद्र मोदी जी से गले मिल के और जाकर बैठे सीट पर। हाँ। और आँख मारना शुरू किया अपनी पार्टी वालों को ये बताने के लिए कि मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया। हाँ। तो वहीं पर सारा कुछ जो उन्होंने किया था वो सब धूल गया। दूसरी बात, जो आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं मैं उनमें कुछ थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, आप 2 मिनट मुझे वक्त दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब या NDA सरकार हमारे बीच में
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहती है, तो उनका इशारा तीन तलाक बिल पर था। अब देखिए, तीन तलाक बिल की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब शाहबानों के केस में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने एक महिला जो पीड़ित थी, जिसके बच्चे थे और जिसको पालने के लिए उसने पैसे मांगे थे अपने पुराने शौहर से, और उसको मना कर दिया और कांग्रेस ने उसका साथ दिया, तो इतना बड़ा जघन्य अपराध आपने किया, तो उस समय भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं हुआ जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन कर दिया? और फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 101 बार परिवर्तन हो चुके हैं, तो क्या 101 बार भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ? इस तरह की बातें जो हटके और छिछली बातें की जाती हैं, मैं समझता हूँ इससे नेताओं को बचना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने चीन के बारे में कही कि डोकलाम में, एक तरफ तो डोकलाम के सैनिक, डोकलाम में चीन के सैनिक भारत में घुसते जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमारे मोदी साहब उनसे बात करते जा रहे हैं। देखिए, चीन की जो स्थिति है या चीन जो कुछ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी सारी नेहरू परिवार की है। तिब्बत को इन्होंने उठाकर चीन को दे दिया, और जब से इन्होंने तिब्बत को चीन को दे दिया, तब से चीन का हौसला बढ़ गया, और नेहरू जी के जीवन काल में ही चीन ने पहले हमला किया, उसके बाद हमेशा चीन हमला करता रहा। मेरा ख्याल है ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जब चीनी सेनाओं ने भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। उस समय इनकी सरकार क्या करती थी? ये तो 60 साल से शासन में थे, तो अब जो सरकार 48 महीने से शासन में, उसको आप कह रहे हैं कि चीन घुसता आ रहा है या चीन घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने कभी चीन को रोका? क्या कभी हिम्मत थी आपके अंदर कुछ करने की चीन के खिलाफ? देखिए, बहुत से मसले ऐसे थे, चाहे भले ही बेरोजगारी का मसला, कई मसले ऐसे थे जो कांग्रेस के वक्त से ही चले आ रहे थे, उन चीजों को आपने क्यों नहीं दुरुस्त किया? अगर आप दुरुस्त कर लेते तो आज विपक्ष में नहीं बैठे होते। किसानों की बात देख लीजिए, आत्महत्या किसानों का होता रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है, बिल्कुल पहली बात नहीं है। कम से कम मोदी सरकार की इतनी तो हिम्मत थी कि उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी कीमत, उनकी लागत का 1.5 गुना दाम हम देंगे, और उन्होंने शुरू भी कर दिया देना कई राज्यों में, तो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। लेकिन लल्लन प्रसाद जी, आज 4 साल के बाद अगर किसानों की लागत का 1.5 गुने का ऐलान करते हैं, वो भी खरीफ की फसल का, तो फिर ये भी वाजिब नहीं है? आप 4 साल पहले अगर ये कदम उठा लेते तो शायद किसानों को फायदा मिल जाता। लखपत जी, एक तरफ राहुल गांधी बड़ी संजीदगी से मुद्दों को रखते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के जाके गले मिलते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री को खड़े होने को कहते हैं, वो खड़े नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी खुद झुककर गले मिलते हैं, उसके बाद अपनी सीट पर बैठते हैं और अपने सहयोगियों को आंख मारते हैं, फिर कहां संजीदगी रह जाती है? कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर देती है कि सब कुछ वो अलग धरा रह जाता है और फिर खुद सफाई देती नजर आ जाती है। लखपति, पिछले 4 सवा 4 सालों से आप देख रहे हैं जी, 4 सवा 4 सालों से आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को संसद के अंदर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज कांग्रेस ने, जो बीजेपी ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो अपने मैनोफेस्टो में जो वादे रखे थे, उनको याद दिलाने का काम किया है, नहीं, और इस देश की जनता की बात उन्होंने आज सदन के अंदर रखने का। लखपत जी, मेरा सवाल ये है, ठीक है उन्होंने पुरजोर तरीके से बात को रखा, मेरा सवाल यह है कि आप जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं उनसे भागीदारी है आपकी, आप चौकीदार नहीं हैं, और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप राफेल मुद्दे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, किसानों को लेकर, चीन को लेकर, दूसरी तरफ उन्हीं के जाके गले लग रहे हैं और फिर बैठ के अपनी सीट पर आंख मार रहे हैं, देश की जनता देख रही है क्या कहेगी? क्या आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के गले मिल रहे हैं और हंस रहे हैं आप? जी आसिफ जी, कांग्रेस का विरोध नरेंद्र मोदी जी का नहीं, कांग्रेस का विरोध बीजेपी की उन नीतियों का है जिन नीतियों पे राहुल गांधी जी ने कहा, जिससे इस देश को नुकसान होता है। सनातन धर्म की जो हमारे परंपराएं हैं, उसमें आपस में मिलके रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने का काम करते हैं, हम बीजेपी की उन नीतियों का विरोध करने का काम कर रहे हैं जिससे इस देश को नुकसान हो रहा है, यहाँ के आम जनता को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, जिनको पूरा का पूरा। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप वही चीज, आप भी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लखपत जी, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रमोद जी, आज दिन भर जो
बहस चली, पक्ष ने विपक्ष ने सवाल किए, जवाब हुए, इन सबको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के भाषण को और उनके बिहेवियर को थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। पहले मैं चलूँ बिहेवियर से, पीछे से ही हम आगे बढ़ते हैं। जो उन्होंने उस बिहेवियर में दो पार्ट अलग करके समझने की कोशिश करें, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के पास गए और प्रधानमंत्री से गले मिले, उसके पहले उन्होंने कहा था कि आप मुझे पप्पू समझ सकते हैं लेकिन हमारे मन में आपके प्रति कोई नफरत नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी और आप लोगों ने हमें सिखाया है कि हिंदुस्तानी होना क्या होता है, हिंदू होना क्या होता है, कि आप पर लाख अटैक करें, आप पर लाख चोट करें, आपको गालियाँ दें, फिर भी आप उनसे उनके प्रति किसी तरह दुर्भाव नहीं रखते हैं। उनका जो ये जो एक कहना है, ये इसके माध्यम से राहुल गांधी ने वन अपमैनशिप की कोशिश की, राहुल गांधी ने इसके माध्यम से बीजेपी आरएसएस पर अटैक की, राहुल गांधी ने इसके माध्यम से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, और जो जाके वहाँ उनसे गले मिले, मैं तो मेरा मानना यह है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। वो प्रधानमंत्री से गले मिलना राहुल गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक था कि आप हमारे विरोधी हैं, आप हमें पप्पू कहते हैं, आपके लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, जबकि आपकी पार्टी हमसे नफरत करती है, हम पर अटैक करती है, हमें गालियाँ देती है, हमारा विरोध करती है, लेकिन फिर भी हम आपसे नफरत नहीं करते, और यही भारतीयता है, यही हिंदुत्व है। ये जो मैसेज देने की कोशिश हुई और जो जाके प्रधानमंत्री से गले मिले, लेकिन प्रमोद जी एक बात समझ में आती है, एक पंचायत में कोई जाता है, जनता की बात लेकर जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, जनता में बहस होती है, जनता की बातें रखते हैं, और उसी में जो जनता का पक्ष रख रहा है वही गले अगर उससे मिल जाए जिससे जवाब लेना है, तो जनता देखकर क्या कहेगी, आप हमारी बातें क्या रख रहे हैं संजीदगी से, आप तो हंस रहे हैं। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि इसी बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने गले मिलने से पहले क्या किया। गले मिलने से पहले राहुल गांधी ने ये कहा कि आप हमें पप्पू समझते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं, आप हमें गालियाँ देते हैं, लेकिन हमने आपकी पार्टी ने हमें सिखाया है कि भारतीयता क्या होती है, और भारतीयता ये होती है कि हम आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। ये जो राहुल गांधी का स्टैंड था, दैट स्टैंड वॉज समथिंग डिफरेंट। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी इस तरह से एग्रेशन में आए, और एग्रेशन के में आने के बाद एक तरह का ये पॉलिसी स्टेटमेंट है कि आप हमसे घृणा करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आप हमें पप्पू समझते हैं, फिर भी हम आपको चलते हैं, और यही भारतीयता, यही हिंदुत्व है। इसके माध्यम से अटैक द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से गले मिलकर प्राइम मिनिस्टर पर उन्होंने एक तरह से, चलिए आपका कहना है कि यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक किया लेकिन खेला, लेकिन इसके बाद सीट पर बैठ के वो आंख दबाते नजर आते। यहाँ मैं आ रहा हूँ, आंख मारी, निश्चित तौर पर ये आंख मारना एक गंभीर काम नहीं था, और मैं तो ये कहूँगा कि आंख मारने से बचने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए थी कि सोशल मीडिया है। अब देखिए, सोशल मीडिया के कैरेक्टर थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया का कैरेक्टर ये है कि यहाँ हल्की फुल्की चीज़, स्मार्टली कहने वाली चीज़, युवाओं को पसंद आने वाली चीज छाई रहती है। ये जो पप्पू की इमेज है या फेकू की इमेज है, ये सोशल मीडिया की इमेज है, सही गलत जो भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये सोशल मीडिया की इमेज है। जो सोशल मीडिया देखने वाला समाज है, जो युवा वर्ग है, उसमें इस तरह के आंख मारना या विंक करना बुरा नहीं माना जाता है। वो विंक करना, मैं किसी को विंक नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के समाज है, संसद के अंदर, सदन के अंदर, वो सोशल मीडिया कहीं पर है, कहीं ऐसी जगह नहीं थी, उनका अपना मंच हो, संसद के अंदर कर रहे बात, मिलके आ रहे हैं आप और पीछे हाथ मार रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं, एक मिश्रा जी आऊंगा, आंख मारना शिष्टाचार है या नहीं है, मैं वो जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, जवाब तो दीजिए ना। जो सोशल मीडिया का मिली है, जो सोशल प्रधानमंत्री से मिलके आ रहे हैं, उसके बाद आप हाथ मार रहे, ये रॉन्ग चीज है। आपको बताता जो सोशल मीडिया इकोसिस्टम है, इस तरह की चीज को बदतमीजी नहीं, सोशल मीडिया के आधार पर संसद में बिहेव नहीं किया जा रहा। प्रमोद जी, सोशल मीडिया में क्या पसंद किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये तो ये संसद की गरिमा है। देखिए, मैटर इस मामले की एनालिसिस ऐसे करनी चाहिए
राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े पद पे है, कांग्रेस की एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसके वो नेता है, भविष्य के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं के तौर पर देखा जाता है, उम्र 50 साल है। आप ये देखिए, आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। एक टर्म होता है कोलेटरल स्ट्रेटेजिक डैमेज, जो मेरे मित्र बोल रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी इसको देखेगा वो एज ए प्रधान गंभीर मतलब इमेज नहीं बनेगी, वो एज ए मजाक की तरह ही वो देखा जाएगा। हो सकता है लाइक्स बहुत आए, सब कुछ बहुत आए, लेकिन उनके इमेज को और गंभीरता को डैमेज होगा। ये बहुत जबरदस्त, यही पर मैं आपको रोकूंगा, इसी आपकी बात को बढ़ाऊंगा। एके मिश्रा जी, जब राहुल गांधी ने जब पक्ष को घेरने की कोशिश की और सवाल दागे, घेरा तो लगा कि राहुल गांधी बहुत परिपक्व हो चुके हैं, अब वो सरकार को घेरने के लायक, अब वो जो भाषण दे रहे थे, हाँ परिपक्व हैं, प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की, पीठ थपथपाई, लेकिन फिर उन्होंने सीट पर बैठने के बाद वही चीज साबित कर दी कि देखिए गुंजाइश अभी है। आसिफ, इसका इस सवाल का जवाब एक ही है, हमारे यहाँ हजारों साल से एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। हाँ। इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आदमी को गंभीर व्यक्तित्व का होना हमारे समाज में, किसी भी इतिहास में, किसी भी देश में, अगर आप इतने बड़े पद पर हैं, आपको गंभीरता का परिचय देना चाहिए। और आपकी पॉलिटिकल काइनेसिस, पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज जो भी हो, चाहे सोशल बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो मीडिया पे जानी है कि नहीं जानी है। देखिए, यहाँ पे ये हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी जी के दिमाग से ये निकल गया होगा कि सीसीटीवी कैमरे वहां 24 आवर चल रहे हैं, और उन्होंने ये एक उनको साइज ऑफ रिलीफ कि भाई मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, खूब तालियां बजी। हाँ। तो उससे आदमी अंदर से एक उत्साहित होता है, और जैसे 45 मिनट का बर्डन खत्म हुआ या एक घंटे का बर्डन खत्म हुआ, तो रिलैक्सिंग मूड में आके उन्होंने अपने किसी क्लोज एसोसिएट को ये चीज किया कि हाँ भाई बहुत जीत गया, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। देखिए, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, ये रिकॉर्ड नहीं होता, तब तो ये माना जा सकता था भाई ये अच्छी चीज है, उनको पर्सनल गेन हो जाता उन दो आदमियों को, ये इशारों में बातें हुई। सवाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ का है, देखिए मोदी जी या आरएसएस का यूएसपी क्या है ओवर विपक्ष, मैं बोलता हूँ सिर्फ गंभीरता, और जो इनके स्टेटमेंट होते हैं वो इतने संतुलित है। विपक्ष का कोई ना कोई नेता हर बार ऐसे ही गलती कर देता है, और किसी भी नेता ने अगर ऐसी गलती की है तो समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और सवाल, फिर सवाल जिनको पूछना चाहिए फिर वो खुद उसकी सफाई देते नजर आते हैं। मैं आऊंगा एके मिश्रा जी आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम प्रेम, लेकिन लगभग जी जनता को आप कैसे समझा पाएंगे कि हम आपकी लड़ाई संजीदगी से लड़ रहे हैं, जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जनता कहेगी आप गंभीर नहीं है मसलों को लेकर, सरकार से जवाब लेने को लेकर। सर, आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ, हो सकता है पक्ष या विपक्ष जब भी सरकारें रहती हैं अपने किए हुए वादों को, बहुत सारे वादों पे वो फेल रही हो, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब, चलिए मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ कि भाई गले गले मिलना एक अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज ये बताइए, आज की ही टाइमिंग क्यों थी, क्या कोई बहुत शुभ मुहूर्त था क्या पंचांग के हिसाब से? होली दिवाली इतने बड़े त्योहार आते हैं, आप सारे नेता पक्ष विपक्ष जाके एक साथ होली तो नहीं मनाते हैं? उससे बढ़िया मुहूर्त था क्या आज गले मिलने का? इंटेंशन आपका, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन क्या हो सकता है सर? आज लोकतंत्र का मंदिर है सदन, और सदन से राहुल गांधी जी ने जो मैसेज देने का काम किया है, इसीलिए आज चर्चा हो रही है। हम होली पे मिलते हैं, चर्चा नहीं होती, उन्होंने दिखाया है संदर्भ के अंदर। चर्चा तो आप मारने की भी हो रही है, हम आपका विरोध नहीं करते, हम प्रेम करते हैं। सर, अगर आपको प्रेम मोहब्बत दिखाना है और आपके दिल में मोहब्बत है, तो आप होली दिवाली इतने दिन आते हैं, कितने मतलब सेलिब्रेशन फैमिली के होते हैं, वहां तो आज तक हमने कभी गले मिलने का जो है पिक्चर या कोई वीडियो नहीं देखी। तो ये जो मोहब्बत, ये जो प्रेम था, केवल सदन के अंदर वाला था कि वाकई में रियल ये प्रेम और मोहब्बत? मैं दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी नहीं गए, और कांग्रेस का भी कोई नेता इसके पहले गले नहीं मिले हैं।
ये चुनावी मोहब्बत है वोट पाने के लिए। मंदिर है जो आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है देने का काम किया है, जो काम विरोध करते हैं। चलिए सर, देश के अंदर नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता है, आप उसको उसी तरीके से देखिए। ललन प्रसाद जी, ललन प्रसाद जी, लेकिन राहुल गांधी देखिए लास्ट में भले ही गलती की उन्होंने, लेकिन शुरुआत में और अपने भाषण में पूरे सरकार को घेरा उन्होंने, जोर तरीके से बात रखी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, और ये बात मानी जा रही थी कि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर उनको बोलने का मौका मिलेगा तो फिर सरकार के पसीने छूट जाएंगे, प्रधानमंत्री वहां पर ठहर नहीं पाएंगे। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि प्रधानमंत्री जो है मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे हैं, और आंख मिलाने की इनकी जो है वो इस टाइम हालत में नहीं है वो। लेकिन लग रहा था राहुल गांधी बड़े संजीदगी से उन सवालों को रख रहे हैं, और उन्होंने उन मुद्दों को रखा भी और वो जायज थे, उन्होंने वायदा भी किया था लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने, एनडीए ने। देखिए, मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो आंख मारने वाली बात हुई, नहीं आप उसको छोड़ दीजिए, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि मेरी आंख में हाथ डाल के नहीं देखते, ये तो उनकी हिंदी है राहुल गांधी की, तो बहुत सारी उल्टी कह दी। खैर इस बात को छोड़िए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुद्दे जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपनी बात कही वो वाकई प्रशंसनीय है। मैंने पहले भी कहा कि पहली बार कंठ फूटा है तोते का, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात कही है, लेकिन बात के साथ साथ एक संजीदगी, एक शिष्टाचार भी है, और प्रधानमंत्री के पद के जो आदमी दावेदार बनना चाहता है वो इस तरह का व्यवहार अगर करेगा तो सारा देश उसको देख रहा है, और जो उनकी इमेज बन रही है और जो पूरे कांग्रेस पार्टी की इमेज और नीचे जा रही है, मेरा ख्याल इस पर भी कांग्रेस पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है। देखो प्रमोद जी, बात ये देखिए कि जो असफलताएं हैं वो तो सबके सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे काम जो पार्टी ने, जो एनडीए ने प्रॉमिस किए थे नहीं पूरे किए, लेकिन एनडीए ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुए। 26 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले, जो गरीब थे और बगैर एक पैसा बैंक में जमा किए वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। पूरे भारत में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, पेमेंट सिस्टम सारा बदल रहा है, और ब्लैक मनी पर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक के कर्जों में बढ़ गया, दूसरी तरफ बैंकों के ऊपर इतना कर्जा हो गया, वो चीज़ भी देखिए। डिमोनेटाइजेशन की वजह से इस देश में डिजिटल रिवोल्यूशन आया, और दूसरी बात यह है कि काले धन पर एक लगाम लगना शुरू हो गया है, और ये बात कहाँ काले धन की, ललन प्रसाद जी कह रहे थे कि ब्लैक मनी वालों की लिस्ट हमारे पास है, सरकार बन जाएगी तो हम उन सबको अंदर कर देंगे, हम ब्लैक मनी वहां से लेकर आएंगे, सारे आंकड़े हमारे पास हैं, कहां गए वो वादे। प्रमोद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बात रखी पुख्ता तरीके से रखी, लेकिन कई बार वो अपनी बात रखने में काफी ज्यादा तल्ख भी दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रमोद जी से पूछ रहा हूं, प्रमोद जी उन्होंने कहा कि मेरी आंख में आंख डाल नहीं पा रहे हैं, मेरी तरफ वो देख नहीं पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से क्या इस तरह से बात करना जब पूरी दुनिया देख रही, क्या ये ठीक है? मैं तो समझ पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में।